भाई एज एक्सपेक्टेड कोलकाता के मजबूत बॉलिंग अटैक ने फाइनली टीम को सीजन की दूसरी जीत दिलवाई है, बट बल्लेबाजी पर अभी भी थोड़ा डाउट बना हुआ है। खैर ये तो था नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पहला मैच और आज इसी वेन्यू पर होगा दूसरा मैच दिल्ली और बेंगलोर के बीच। सो गाइस डोंट मिस टू वॉच द प्री मैच एनालिसिस ऑफ दिस अपकमिंग कॉन्टेस्ट ऑन आवर चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट लाइन गुरु के प्री मैच एनालिसिस सेगमेंट में। आज अपने वीडियो में हम कवर करेंगे आईपीएल के 23rd मैच को जो खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शाम 7:30 बजे से। अब एक तरफ है धोनी की चेन्नई जो कि ओवरऑल सुपर फॉर्म में है, डीप बैटिंग लाइनअप है, बॉलर्स बैक टू बैक विकेट्स निकाल रहे हैं, प्लस दे हैव सर रविंद्र जडेजा जो पिछले कुछ मैचेस में बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर है वार्नर के वॉरियर्स जो बेसिकली डिसेंट परफॉर्म कर रहे हैं बट एट सम पॉइंट खराब डिसीजन का शिकार होते दिखे हैं। प्लस ऑन पेपर देखें तो बाकी टीम्स के कंपैरिजन में डेप्थ की कमी भी देखी गई है, बट वंस अगेन अगर हम पॉइंट टेबल पर नजर डालें तो हैदराबाद भले ही लास्ट पोजीशन पर है बट इनका नेट रन रेट बाकी टीम से काफी बेहतर है विच प्रूव्स देयर डिसेंट परफॉर्मेंस। खैर आइए सबसे पहले दोनों टीम्स का हेड टू हेड कंपैरिजन करके देख लेते हैं। तो भाई चेन्नई और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच टोटल 15 मैचेस खेले गए हैं जहां चेन्नई ने झंडे गाड़े हैं 11 बार तो सनराइजर्स हैदराबाद जीती है महज 4 बार एंड दिस इज अ बिग डिफरेंस। जहां इनकी करंट कंडीशन को देखते हुए ये गैप और ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर की बात करें तो चेन्नई का रहा है 223 रन और सनराइजर्स हैदराबाद का रहा है 192 रन। यहां पर मिनिमम स्कोर की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स का रहा है 132 रन और हैदराबाद का रहा है 137 रन। एवरेज स्कोर चेन्नई का रहता है 174 तो हैदराबाद का रहता है 165 रन। तो भाई लोग इन शॉर्ट चेन्नई ने पूरी तरह से हैदराबाद पर टोटल कंट्रोल बनाया हुआ है। और अब वक्त है आज के बड़े सवाल का। दोस्तों इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में वो कौन सा ओवरसीज प्लेयर होगा जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस देगा? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही भाई लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें और वीडियो पर एक लाइक ठोकते चलें, प्लस सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आप क्रिकेट लाइन गुरु के सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाते रहें। चलिए अब नजर डालते हैं वेन्यू पर। दोस्तों दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ये अपकमिंग कॉन्टेस्ट खेला जाएगा। अब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात करें इस ट्रैक पर खेले गए अभी तक के T20 मैचेस की, तो दोस्तों टोटल 73 मैचेस यहां पर खेले जा चुके हैं जहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 34 टाइम्स जीती है और रन चेस करने वाली टीम 39 टाइम्स जीती है। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम का रहा है 164 रन। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो वो रहता है दिल्ली कैपिटल्स के नाम 231 रन 4 विकेट पर और लोएस्ट स्कोर भी दिल्ली कैपिटल्स के नाम रहता है 66 रन 10 विकेट पर। वैसे देखा जाए तो टोटल 73 मैचेस में 42 टाइम्स स्कोर अराउंड 160 या उससे नीचे ही रहा है, सो हायर एंड पर स्कोर एक्सपेक्ट करना थोड़ा यहां पर मुश्किल है। टॉस के लिहाज से देखें तो अहमदाबाद में ड्यू फैक्टर मेजर रोल प्ले करता दिखा है और अगर सेम सिचुएशन दिल्ली में देखने को मिलती है तो सारे फैक्टर्स और स्टैट्स को कंसीडर करते हुए कैप्टन्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे। बॉलिंग के लिहाज से दिल्ली का ट्रैक काफी हद तक बैटर्स से ज्यादा बॉलर्स को फेवर करता दिखा है, प्लस स्पिनर्स को भी काफी मदद मिली है। कीपिंग दैट इन माइंड टीम अपने बॉलर्स पर ज्यादा ध्यान देने वाली है। खैर अब जब बात टीम्स की हो ही रही है तो चेन्नई और हैदराबाद को इंडिविजुअली एनालाइज कर लेते हैं। पहले फोकस करते हैं टीम सनराइजर्स हैदराबाद पर। भाई वार्नर एंड कंपनी बैड फॉर्म से ज्यादा बैड डिसीजन का शिकार होती दिखी है। कप्तान डेविड वार्नर जो लास्ट फ्यू सीजन्स में धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे इस बार अपनी क्लास मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और 5 मैचेस में महज 136 रन ही बना पाए हैं। बट ऑन दी अदर हैंड जॉनी बेस्टो ने टॉप ऑर्डर में सिंगल हैंडेडली मोर्चा संभाला हुआ है। 5 मैचेस में 211 रन बनवाने वाले बेस्टो सीजन के टॉप रन स्कोरर के भी दावेदार हैं और अब यहां लास्ट 2 मैचेस में 82 रन ठोक के केन विलियमसन टॉप ऑर्डर को थोड़ा और मजबूती देते दिख रहे हैं। यहां टीम मनीष पांडे की जगह विराट सिंह को मौका दे रही है बट इस एक्सपेरिमेंट का कोई फायदा नहीं हुआ है क्योंकि विराट 3 मैचेस में 57 के स्ट्राइक रेट से मात्र 15 रन ही बना पाए हैं और ऐसे में वी होप पांडे जी जल्द प्लेइंग 11 में वापसी करेंगे। टीम के मिडिल ऑर्डर पर गौर करें तो बहुत कन्विंसिंग तो नहीं लग रहा है बट बिल्कुल वीक भी नहीं लगता है। विजय शंकर, केदार यादव और राशिद खान कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर को संभालने की उम्मीद करी जा सकती है।
वेल, इनके लास्ट कॉन्टेस्ट में जगदीश सुचित राइट मोमेंट पर ट्रम्प कार्ड के तौर पर सामने आए थे, जिसके चलते मैच सुपर ओवर तक जा पाया था। कैन दिस बी अ पॉजिटिव साइन फॉर हैदराबाद? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। गौर करें इनके बॉलिंग अटैक पर, तो दोस्तों हैदराबाद ने लास्ट चार मैचेस में फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम को बिलो 160 रोका है, जहां 120, 150 और 149 जैसे टारगेट अचीव करने को मिले हैं। सो इन शॉर्ट, बॉलिंग तो हैदराबाद की काफी बेहतरीन दिखी है, जहां राशिद खान एज यूजुअल लीडिंग विकेट टेकर हैं, प्लस खलील अहमद, सिद्धार्थ कौल और अभिषेक शर्मा ने भी इंप्रेसिव स्पेल किए हैं। यहां एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेशन को देखते हुए भुवनेश्वर कुमार फिलहाल लय में नजर नहीं आ रहे हैं। अब बात करें दूसरी टीम चेन्नई सुपर किंग्स की, तो दोस्तों कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में चेन्नई के सितारे एक बार फिर बुलंदी पर हैं। फाफ डुप्लेसी कॉन्स्टेंटली रन स्कोर करते जा रहे हैं और पांच मैचेस में 138 के स्ट्राइक रेट से 214 रन बना चुके हैं, जिसमें दो हाफ सेंचुरीज शामिल है। टीम का प्लस पॉइंट है कि अब ऋतुराज गायकवाड ने भी रन स्कोर करना शुरू किया है और लास्ट दो मैचेस में 144 के स्ट्राइक रेट से 97 रन्स बनाए हैं। इस स्टार्ट को बूस्ट देने के लिए रैना और राइडू छोटी छोटी मगर क्रूशियल इनिंग्स खेल रहे हैं, जिससे किसी एक प्लेयर पर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा। ऑल्सो इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन द टॉप ऑर्डर, सर जडेजा और कैप्टन धोनी मिडिल ऑर्डर तक अच्छा सपोर्ट करते हैं, जहां जडेजा बेहद उम्दा फॉर्म में चल रहे हैं। लोअर ऑर्डर में चेन्नई को सैम करन का भी सपोर्ट मिलता है, विच मेक्स दिस टीम क्वाइट लेजिट। नजर डालें टीम के बॉलिंग अटैक पर, तो भाई लोग दीपक चाहर 8 विकेट के साथ टीम के लीडिंग विकेट टेकर हैं, बट ये सफलता इन्हें 2-4 विकेट हॉल से मिली है और अगर मैच बाय मैच इनकी परफॉर्मेंस देखें तो बाकी के 3 मैचेस में ये महंगे साबित हुए हैं। हालांकि जडेजा और सैम करन कंसिस्टेंटली विकेट्स निकाल रहे हैं और लास्ट मैच में स्पिन के बादशाह इमरान ताहिर ने भी आते ही कमाल दिखाया है, प्लस शार्दुल ठाकुर के रहने से टीम को स्टेबल बॉलिंग अटैक मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ जाते हैं एनालिसिस के कंक्लूजन पर। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं कि चेन्नई ओवरऑल ज्यादा बेहतर टीम है। बीट बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग करेंटली चेन्नई एक कंबाइंड पैकेज है। वहीं हैदराबाद टॉप 3 प्लेयर्स पर ओवर डिपेंडेड है, विच इज द बिगेस्ट सेटबैक। ऑन द अदर हैंड, एसआरएच का बॉलिंग अटैक नो डाउट इज वन ऑफ द बेस्ट इन दिस आईपीएल। सो ऑन पेपर देखा जाए तो चेन्नई बेहद आसानी से हैदराबाद पर जीत हासिल कर सकती है, बट जिस तरह कोलकाता ने यूटर्न मारा है, हैदराबाद के पास भी नो डाउट परफॉर्म करने की कैपेबिलिटीज है, बट इसके चांसेस काफी कम है। आपके अकॉर्डिंग इस मैच में कौन सी टीम बाजी मार सकती है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक और एनालिसिस और क्रिकेट की तमाम अपडेट्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।